हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज फ्रेंड सुमित। आज हम बात करने वाले मस्तानी, इसकी नहीं इसकी। तो आज हम बात करने वाले मस्तानी की। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको मस्तानी के बारे में बताना चाहूँगा वो ये, इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो यही हमारे पुणे में हुआ था। और लकीली आज मुझे वो शॉप मिली है जहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ था। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो सीधा मस्तानी पीने के लिए चलते हैं। दुकान की तलाश में भटक रहा हूँ, दुकान तो मुझे मिली नहीं है फाइनली। अभी भैया ने मुझे एड्रेस बताया, तो अभी चलते हैं, पुराना एड्रेस बताया, फिर ढूंढते दुकान और को मस्तानी पीते हैं। थैंक यू सो मच दादा। नाउ कम प्लस आकाश, थैंक यू सो मच। चलो फिर से सफर शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें हमारी दुकान मिली नहीं थी। अभी जस्ट मुझे एड्रेस मिला है, अब चलते हैं और देखते हैं मस्तानी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जहाँ से शुरू किया था फिर से वहीं पर आ गया, लेकिन शॉप अभी तक मुझे मिली, फिर किसी और को पूछना पड़ेगा। शॉप से लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट, ऐसे ही घूम रहा हूँ। फिर से पूछना पता चला कि जिस रूट में गया था उसी रूट पे लेफ्ट साइड में फिर से देखने जाके आप। इतनी कठिन मेहनत कोल्डिंग हाउस पीछे था तो मुझे दिखाने, चलो अपना मस्तानी ट्राई करते हैं। आधे घंटे का थका देने वाला सफर करने के बाद फाइनली मेरी मस्तानी मेरे पास, मस्तानी का एंजॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं। आपको एक एक्साइटिंग बात बता दी कि जो मस्तानी की शुरुआत है वो यहीं से हुई है, यानी जो ओरिजिन है मस्तानी का वो यही हमारे पुणे में है। और यही कोल्ड ड्रिंक ऑफिस, यहाँ आकर मस्तानी पीने का मजा आता है और ये होगा, और यहाँ की मस्तानी का टेस्ट भी अलग ही होगा क्योंकि यहाँ पे उसका इन्वेंशन हुआ। चलो मस्तानी को ट्राई करते हैं। पाइनएप्पल वाला फ्लेवर और साथ में आइसक्रीम की टॉपिंग भी। खा के देखते हैं। बहुत सुंदर, मजा आ गया खा के। मेरा सफर जो था वो एक्चुअली पूरा हो गया इसको खा के। आधा घंटा जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेहनत गई है सारी, ऐसा लगता है मेहनत में मुझे फल मिल गया, क्योंकि बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। जस्ट डिफरेंट मैन अगर जो मस्तानी हम खाते हैं ना उससे बहुत अलग है, तो आप बिल्कुल ट्राई करना। अब तो एकदम सिंपल है, दत्त मंदिर के एकदम सामने की गई, चार पाँच दुकानें छोड़ो देना कोल्ड ड्रिंक हाउस से लेफ्ट साइड में, बस दिखता नहीं है। उसका थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत, आप बहुत ज़्यादा दूर जाकर सुन जाएगा, ठीक है? बस ये ध्यान रख लीजिए। तो गाइस ये थी कहानी गुजर मस्तानी की, जहाँ पे मस्तानी का इन्वेंशन हुआ था 1923 में। तो अभी अप्रॉक्स उसको पूरे 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये थी कहानी मस्तानी हाउस यानी गुजर मस्तानी की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ये वीडियो शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो पूरी है जिन्हें मस्तानी या इस टाइप की डिश खाने का शौक है। तो गाइस दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शोज़।